तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। खैर सर चकरा रहा है क्योंकि सस्पेंस थ्रिलिंग का कंटेंट देखकर आ रहा हूँ। भाई साहब मजा ही आ जाता है जब सस्पेंस आपको पूरी मूवी में मिलते रहे, अनएक्सपेक्टेड थ्रिल्स आपकी फाड़ के रख दे। चलो मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाता हूँ क्योंकि आई एम नॉट सुजय घोष, कहीं तो सुना होगा ये नाम आपने। विद्या बालन याद है कहानी मूवी थी जिनकी, हाँ ये वही डायरेक्टर हैं। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आया था कहानी टू, फिर बदला मूवी आई थी। तो एक लाइन में डायरेक्टर को डिफाइन करूँ तो ही इज़ द किंग ऑफ थ्रिल्स एंड किंग ऑफ सस्पेंस, जिनका पास्ट क्रिएशन हम देख ही चुके हैं। अब बात करते हैं इनके न्यू क्रिएशन जाने जान मूवी के बारे में। इस मूवी की सबसे अच्छी बात क्या है तुम्हें मालूम है? थ्रिल्स तो है ही, सस्पेंस तो है ही, कहानी इंगेजिंग तो है ही, कास्ट सुपर अमेजिंग तो है ही। दरअसल सस्पेंस थ्रिलर देखकर आ रहा हूँ तो अंदर का सुजय घोष जाग रहा है, इसीलिए ये मगजमारी हो रही थी। चलो ज़्यादा मगजमारी नहीं करते हैं। तो बेस्ट पार्ट इस मूवी का ये है कि ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी कहाँ पर? नेटफ्लिक्स जैसे जाने माने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो फुल एचडी में मैं तो कह रहा हूँ, घर में अगर बड़ी एलईडी है तो उसमें जाकर देखो। ऐसे कॉन्टेंट का मज़ा जबरदस्त तरीके से इत्मीनान से लो। अब तुम कहोगे नेटफ्लिक्स का कॉन्टेंट है और बड़ी एलईडी में कैसे देख सकते हैं, वो भी घर में घर वाले आ गए तो भैया आने दो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ वल्गर नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। All are good thing. Don't be hesitated and enjoy this thriller cinema, suspense cinema at any time with anyone and any place you want. तो बात करते हैं मूवी की। स्टोरी लाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मोस्ट वर्ल्ड फेमस जैपनीज नोबल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। जी हाँ दोस्तों, कहानी मैं कहूंगा ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा थ्रिलिंग भी नहीं है, सस्पेंस फिल्म नहीं है, क्योंकि अगर आप थ्रिलर के फैंस हो, सस्पेंस के फैंस हो, ऐसी बहुत सी मूवी आपने देखी है तो ब्योमकेश बख्शी जैसी होगी, दृश्यम होगी, शेरलॉक होम्स होगी, तो इन सब के एक्सपीरियंस से बहुत सी चीजें हमारे अंदर जनरेट हो चुकी हैं और ऑटोमेटिक आप ना अगला सीन फॉर्मेट कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि हाँ मुझे चीज़ें पकड़ में आ जा रही थी कि यस अब ये होने वाला है इस टाइप से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी इंगेजिंग नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट 2 घंटा 20 मिनट कब आपके निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ मर्डर मिस्ट्री का सॉल्व करने पर यह कहानी पूरी बेस है, जिसमें कोई आम आदमी नहीं पुलिस ऑफिसर का ही मर्डर हो जाता है, इससे ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। दूसरी तरफ सिंगल मदर करीना कपूर खान आपको देखने को मिलेंगी, इमेजिन कर लो उनका क्या रोल होने वाला है अगर ट्रेलर आपने देखा है ध्यान से तब। दूसरी तरफ जयदीप अहलावत मैथ्स टीचर का रोल प्ले करेंगे, मैं कह रहा हूं ये बंदा जबरदस्त है यार, और मैं कहूंगा ये बंदा खा गया सबको, ऐसा छाया है भाई साहब। व्हाट अ कैरेक्टर डिजाइनिंग बाय सुजोय घोष, आल्सो एक्सीलेंटली वेल परफॉर्म्ड बाय जयदीप अहलावत, जब भी स्क्रीन पर आया फाड़ के रख दिया। तो मैथ्स टीचर के साथ साथ ये वजीर का भी काम करेंगे, वजीर किसका? राजा का वजीर। अब राजा कौन है ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई कर लेना, मूवी में सब पता लग जाएगा। तीसरा जो बॉम्ब फूटा है विजय वर्मा के रूप में, वैसा मैं इस बंदे को पानी कहूँगा, किसी भी रंग में ढल जाता है, किसी भी रूप में उभर जाता है। पुलिस ऑफिसर जिसे केस सॉल्व करने के लिए हायर किया गया है, तो ऐसा मोस्ट मल्टी टैलेंटेड बंदा जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, जिसकी शकल ही चतुर चंट लोमड़ी जैसी है और चाल ढाल में ही सातिरता छलक रही हो, तो वो कहानी को कितना एंगेजिंग और कॉम्प्लिकेट कर देगा ये आपको खुद पता लग जाएगा मूवी में जब आप ये देखेंगे। तो हाँ मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, मूवी बनाई गई है कलिम्पोंग में, जो नेपाल में नहीं है। एक्चुअली कलिम्पोंग इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नेवर ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट विच इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल। कलिम्पोंग फेमस है मल्टीपल एंड मोस्ट ऑफ यूनिक फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज के लिए। अब मैं यहाँ स्पीसीज के नाम नहीं लूंगा वरना तुम्हारा सर चकरा जाएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त नाम है। सो दिस इज ऑल माई पार्ट। तो मैं मूवी को यहाँ 3.5 स्टार दूंगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले, स्टोरी टेलिंग ऑल आर अमेजिंग, लेकिन थोड़ा सस्पेंस और हो सकता था ताकि व्यूअर्स से डिकोड ना हो पाए अगला सीन इस टाइप में। बाकी मूवी एक नंबर है, बहुत जबरदस्त है, और बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इजिली अवेलेबल है, जिसे आप आराम से देख सकते हैं, तो जाके देखो और मजा लो। बाकी सुजोय घोष की पुरानी फिल्मों में से अभी तक की बेस्ट मूवी कौन सी रही है आपकी, इंक्लूडिंग दिस मूवी, अगर आपने ये देख ली है तब, तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।